हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फाइल मेन्यू के अंदर सभी ऑप्शंस का यूज करना सीख लिया था। यहाँ पर केवल ऑप्शंस बचा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप एमएस वर्ड में अगर आपको कुछ भी छेड़छाड़ करना हो तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन की हेल्प से ही कुछ भी छेड़छाड़ करोगे। देखो, फॉर एग्जांपल, देखो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। देखो, एक विंडो ओपन हो रही है वर्ड ऑप्शंस की। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, यहाँ पर जनरल है, डिस्प्ले है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है सभी का यूज़ हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए, इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फाइल मेन्यू में जाओगे, देन ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आप फाइल मेन्यू में जाओगे, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो सिंपली अगर आप इस सेव ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वही वाला विंडोज ओपन होगा। देखो, वही वाला विंडो ओपन हुआ है, वही जनरल डिस्प्ले सारा वही है, आप देख सकते हो। तो आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करो, इस विंडो को ओपन करो, ठीक है। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग सभी का यूज करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। क्या है? शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अभी ये क्या है, अभी ये इनेबल है। क्या है? इनेबल है। देखो, जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, या मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है, ये डिसेबल नहीं रहेगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे, इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगा, ये डिसेबल नहीं रहेगा। ओके, तो देखो अभी ये क्या है, इनेबल है। सो मेनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, अभी ये इनेबल है। अब मैं ओके करती हूँ। देखो, और एमएस वर्ड में इस फाइल में मैं कुछ पैराग्राफ्स को लाती हूँ। पैराग्राफ्स को लाने के लिए आपको इक्वल स्पेस करना है, रैंड टाइप करना है, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। देखिए, मैं सभी को सिलेक्ट करूंगी और टेक्स्ट की जो साइज है मैं उसे इंक्रीज कर लूंगी। देखो, ये इंक्रीज हो चुका है। और देखो, जब आप फाइल मेनू में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल रखोगे, उसके बाद देखो मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का, कलर का, ये सारा ऑप्शंस दे रहा है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। जैसे ही मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखो ये सारे ऑप्शन क्या, देखो ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का। यहाँ से आप फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हो। देखो, यहाँ पर फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हो। देखो, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कहीं पर भी आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो देखो ये आ रहा है। लेकिन अगर आप फाइल मेनू में जाओगे, देन ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से इस ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन है सो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इसे डिसेबल कर दोगे। देखो, मैं अभी से क्या करी हूँ, डिसेबल कर दी हूँ। अब जैसे ही ओके करूँगी, अब देखो मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी तो वो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। देखो, वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने क्या करा, फाइल मेनू में जा करके, ऑप्शंस में जा करके, उसके बाद सो मेनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया, इसलिए यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। देखो, नहीं आ रहे हैं। मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ तो नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं फाइल में जाऊँगी, ऑप्शन में जाऊँगी, इस ऑप्शन को मैं इनेबल करूँगी, देन ओके करूँगी तो देखो वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, ये आ चुके हैं, ये आ गए, ये ऑप्शन आ रहा है ना। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शंस में जा कर के इसे इनेबल कर दिया। अब देखो, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। देखो क्या कह रहा है, इनेबल लाइव प्रीव्यू। क्या कह रहा है? इनेबल लाइव प्रीव्यू। देखो, अभी ये इनेबल है। क्या है इनेबल? मैं जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ। ये जो ऑप्शन है आप ध्यान से देखो, ये क्या है? इनेबल है, इनेबल लाइव प्रीव्यू।
मैं अब क्या करती हूँ, ओके करती हूँ। और देखो अब मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और कलर, मैं कलर किसी भी कलर के पास मैं माउस की कर्सर को लेकर के जा रही हूँ तो टेक्स्ट का भी कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखो जिस कलर के ऊपर मैं माउस की कर्सर को ला रही हूँ उस कलर में हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो जब मैं ब्लू वाले कलर के पास माउस की कर्सर को लाई हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो गया। देखो ग्रीन बस लाते ही कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगी, देन ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ से मैं ये जो ऑप्शन है इनेबल लाइव प्रीव्यू इसे मैं डिसेबल कर दूँगी, अनचेक कर दूँगी। देखो ये अभी अनचेक है, देन ओके करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो ये हमारा सिलेक्ट है, अब मैं कलर किसी भी कलर पर माउस की कर्सर को लेकर के जाऊँगी तो यहाँ पर प्रीव्यू शो नहीं होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फाइल मेन्यू में ऑप्शन वाले ऑप्शन पर जा करके इनेबल लाइव प्रीव्यू इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। जैसे ही इनेबल करोगे आप, देन ओके करोगे, अब आप किसी भी कलर के ऊपर माउस की कर्सर को लाओगे तो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होगा, वो प्रीव्यू शो होगा। देखो अभी मैं ग्रीन पर लाई हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा शो हो रहा है, ग्रीन शो हो रहा है। तो देखो आप, मैं इसे इनेबल ही रखती हूँ, लेकिन जब आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे, आप इंस्टॉल करोगे तो ये इनेबल ही रहेगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। देखो कलर, देखो यहाँ पर है कलर स्कीम, क्या है कलर स्कीम। अब देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ब्लू सिल्वर ब्लैक, यहाँ पर थ्री है, ब्लू है सिल्वर है ब्लैक है, अभी क्या सिलेक्टेड है, सिल्वर सिलेक्टेड है। तो देखो मैं जूम आउट करती हूँ, क्लोज करती हूँ तो हमारा जो इधर क्या शो हो रहा है देख सकते हो आप, इधर में क्या शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर में इधर इधर देखो कि सिल्वर शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं फाइल मेनू में जाऊंगी, ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ से मैं कलर को ब्लू कर दूंगी, देखो मैं जूम इन कर रही हूँ, ब्लू कर देती हूँ कलर स्कीम को, मैं ब्लू कर देती हूँ, देन ओके। अब देखो कलर चेंज हो गया, ये कैसा कलर में हो गया, ये ब्लू कलर में हो गया। ऐसा कैसे हो गया, तो फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ और यहाँ से देखो अब मैं ब्लैक कर देती हूँ, देन ओके, तो देखो ये ब्लैक हो जाएगा, देख सकते हो ये ब्लैक हो गया। तो आप किसी को भी चौंका सकते हो, जब आप एमएस वर्ड में ऐसा कर दोगे कोई अगला बंदा आएगा तो बोलेगा ये क्या हो गया एमएस वर्ड में, तो आप किसी को भी चौंका सकते हो। तो देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं सिल्वर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिल्वर ओके। देखो अब ये सिल्वर हो गया। अब देखो उसके बाद है स्क्रीन टिप स्टाइल, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ स्क्रीन टिप स्टाइल, यहाँ पर है शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको थ्री ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, मैं जूम इन कर रही हूँ, और शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, ये फीचर्स भी बहुत ही बेहतरीन है। देखो शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, अभी हमारा ये सिलेक्टेड है, अब मैं क्या करती हूँ ओके करती हूँ। अब आप कहीं पर भी देखो, मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर लाई हूँ, अब मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो ये बुलेट, इसका नेम भी यहाँ पर शो हो रहा है बुलेट्स, और नीचे में देखो डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है स्टार्ट अ बुलेट लिस्ट। देखिए यहाँ पर क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं फाइल मेनू में जाऊँगी, ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगा, केवल नेम शो होगा। देखो मैं इसे सिलेक्ट की हूँ, अब ओके करती हूँ। अब आप किसी भी ऑप्शन पर लेकर के जाओ, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर केवल नेम शो हो रहा है, केवल बुलेट्स शो हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर भी केवल नेम शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं ही फाइल मेनू में जाऊंगी, देन ऑप्शंस में जाऊंगी और यहां से मैं शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद ओके करूंगी। तो देखो
कहीं पर भी जा रही हूँ तो नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों शो हो रहा है। देखो नेम भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। यहाँ पर जो नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों शो हो रहा है देख सकते हो आप। अगर मैं फाइल मेनू में जाऊंगी उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है डोंट शो स्क्रीन टिप्स। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि ना ही तो नेम शो होगा और ना ही डिस्क्रिप्शन शो होगा। जैसे आप लाइव देखो, मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर देती हूँ। अब देखो ना तो नेम शो हो रहा है ना ही डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसको शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा, शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे देन ओके करोगे तो नेम भी शो होगा और डिस्क्रिप्शन भी शो होगा। देखो सारा शो हो रहा है। अब देखो आगे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है डिस्प्ले। क्या है डिस्प्ले, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, सो वाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट व्यू। देखो क्या है, सो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। ये क्या है अभी ये इनेबल है, ये क्या है इनेबल है। तो देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसे कॉपी करती हूँ और पेस्ट करती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। देखो मैं फिर से इसको पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे पेजेस आ चुके हैं, ये देखो कितने सारे, दो पेज तीन पेज आ चुका है। तो देखो क्या होगा, जब आप फाइल मेनू में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे और इस ऑप्शन को डिस्प्ले में जाओगे और इस ऑप्शन को, ये जो ऑप्शन है सो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, इसे इनेबल रखोगे, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है। ये क्या रहता है, इनेबल ही रहता है। ये बहुत ही एडवांस फीचर्स है। अब समझो ये अभी क्या है, इनेबल है। तो जब देखो यहाँ पर पेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर क्या है स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। क्यों स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर डिस्प्ले में जाओगे उसके बाद सो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, इस ऑप्शन को इनेबल रखोगे तभी ये जो स्पेस है वो शो होगा। देखो तभी ये स्पेस शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे डिसेबल करूँगी, इस ऑप्शन को देखो मैं क्या करूँगी, डिसेबल कर दूँगी। अब ओके करूँगी तो देखो अब क्या होगा, अब केवल यहाँ पर लाइन शो हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो स्पेस था वो गायब हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन शो हो रहा है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर केवल एक लाइन शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने फाइल मेन्यू में ऑप्शंस में गए उसके बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जा करके शो वाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट व्यू इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया, इसलिए क्या हो रहा है स्पेस गायब हो गया और एक लाइन शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसे इनेबल ही कर देती हूँ। अब उसके बाद देखो क्या ऑप्शन है, सो हाइलाइटर मार्क। ये सभी ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो ऑप्शन मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ उसी फीचर्स के बारे में बताऊंगी। ओके अब देखो यहाँ पर मैं जूम इन कर रही हूँ, ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क ऑन द स्क्रीन। देखो यहाँ पर देखो टैब, मैं इसे क्या करती हूँ, इनेबल करती हूँ और उसके बाद ओके कर देती हूँ। अब आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मैं सभी को सिलेक्ट करती हूँ और डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं सभी को सिलेक्ट करती हूँ डिलीट। अब मैं कुछ भी लिखूँगी उसके बाद टैब दबाऊँगी तो देखो क्या हो रहा है, देखो टैब दबा रही हूँ तो क्या हो रहा है, टैब का यहाँ पे साइन आ जा रहा है। देखो जितना टैब आप दबाओगे उतना साइन आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फाइल में जा गए उसके बाद ऑप्शंस में डिस्प्ले में और यहाँ से हमने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया, इसलिए टैब का वहाँ पर साइन आ रहा है। ओके अब देखो यहाँ पर स्पेस, जब आप इसे इनेबल कर दोगे, इनेबल करोगे देन ओके करोगे, अब आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे स्पेस दबाओगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेस का भी साइन बन रहा है। क्या हो रहा है, स्पेस का भी साइन बन रहा है, आप देख सकते हो, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, स्पेस का भी साइन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या करा, यहाँ से स्पेस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दिया, इसलिए स्पेस का साइन बन रहा है। पैराग्राफ मार्क करोगे तो उसी तरह से होगा।
तो मैं सभी ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊंगी, आप खुद ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे कि ये पैराग्राफ मार्क्स ये इनेबल रहेगा तो क्या होगा। इन सभी ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बताना है, खुद ट्राई करना है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे मुझे। एंड कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये आपका होमवर्क रहा, आप ट्राई करोगे इसे, ज़रूर ट्राई करना, ओके। अब देखो यहाँ पर है प्रिंटिंग ऑप्शंस, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या है प्रिंटिंग ऑप्शंस। अब चलिए यहाँ पर है प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या है प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। जब आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, देखो ये अभी क्या है डिसेबल है, अभी डिसेबल है। आप इस फाइल में, इस एमएस वर्ड की फाइल में किसी भी शेप को ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने इस शेप को ड्रॉ करा, अब मैं क्या करूँगी फाइल में जाऊँगी और प्रिंट करूँगी, प्रिंट करूँगी तो देखो सिर्फ हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट प्रीव्यू में शो कर रहा है, जिस शेप को मैंने ड्रॉ किया था वो शेप यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमारा ये जो ऑप्शन है, डिस्प्ले में जाऊंगी, ये जो ऑप्शन है प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, ये जो हमारा ऑप्शन है वो डिसेबल है। जैसे ही मैं इसे इनेबल करूंगी देन ओके करूंगी, अब देखो अब मैं फाइल में जाऊंगी देन प्रिंट करूंगी, तो देखो क्या ये देखो टेक्स्ट भी आ रहा है और यहाँ पर ये शेप भी आ रहा है, शेप भी आ रहा है ना। तो देखो जब तक आपका ये ऑप्शंस इनेबल नहीं रहेगा तब तक आप अपने फाइल में कितने भी शेप्स को, किसी भी शेप्स को ड्रॉ करोगे देन प्रिंट करोगे तो आपका शेप प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहेगा। जब आप इसे इनेबल कर दोगे उसके बाद प्रिंट करोगे तो आप जितने भी या फिर किसी भी कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल, कोई भी ओवल, कोई भी हो, जब आप इस ऑप्शन को इनेबल रखोगे तभी वो क्या होगा प्रिंट होगा, अन्यथा वो प्रिंट नहीं होगा, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस, देखो ये अभी डिसेबल है, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या है, ये अभी डिसेबल है। अब मैं क्या करती हूँ बैकग्राउंड यहाँ पर जैसे मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं क्या करूँगी फाइल मेन्यू में जाऊँगी देन प्रिंट करूँगी, तो देखो ये बैकग्राउंड कलर नहीं प्रिंट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर प्रीव्यू में नहीं शो कर रहा है। अब मैं ऑप्शन में जाऊंगी और डिस्प्ले में जाऊंगी, उसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, मैं इसे क्या करूँगी इनेबल कर दूंगी, उसके बाद ओके करूँगी। अब मैं प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, प्रिंट करूँगी तो देखो बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी ऑप्शंस का यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।